उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अयोध्या में जिलाधिकारी नीतीश कुमार के आवास के बोर्ड का रंग बदल दिया गया है। जिलाधिकारी का ये बोर्ड जहां पहले भगवा हुआ करता था और आज अचानक बोर्ड को हरा रंग दे दिया गया है। दरअसल डीएम आवास इस समय अस्थायी रूप से पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि डीएम आवास जर्जर हो जाने के कारण उसकी मरम्मत की जा रही है। लेकिन यह जानने वाली बात होगी कि जिस समय डीएम आवास पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हुआ उस समय बोर्ड का रंग भगवा रखा गया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बोर्ड का रंग बदल कर हरा कर दिया गया। इसे लेकर कई तरह की अटकलबाजियां भी हो रही है। बोर्ड के रंग बदलने को लेकर डीएम नीतीश कुमार ने एक चैनल से फोन पर बात करते हुए कहा कि हमारा आवास इस समय पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में अस्थायी रूप से है, जिसका बोर्ड अचानक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने हरा कर दिया। डीएम ने आगे बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनके बोर्ड का रंग पहले से हरा होता था, इसलिए उसे फिर से हरा रंग दे दिया गया है। भले ही इस मसले पर डीएम ने सफाई दे दी, मगर अब सवाल ये उठता है कि ऐसे नाजुक वक्त में जब प्रदेश में चुनाव जारी हैं, अभी दो चरण मतदान के बाकी हैं, ऐसे में डीएम आवास के बोर्ड का रंग बदलना कितना जायज था, या फिर इसके मायने ये निकाले जाएं कि क्या जिला प्रशासन को अंदेशा है कि योगी सरकार जा रही है और अखिलेश सरकार आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार का रंग भगवा और अखिलेश सरकार का रंग हरा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।